करेंगे लेक्समार्क का पावर सप्लाई, और इसमें पार्ट नंबर आप देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए मॉडल नंबर पढ़ लीजिए, और रियर में कुछ इस तरह से दिखता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है आप देखिए, फिजिकली इंस्पेक्शन हमने किया तो ये दिखा पहले, कैपेसिटर फूल गया, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा वोल्टेज आ रहा है और हमारा गुड होना चाहिए उस केस में। तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, और रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम ये चेंज करेंगे जो फिजिकली दिख रहा है हमें इंस्पेक्शन करने के बाद, और भी चेक कर लेंगे इसमें क्या फॉल्टी है। तो आपको चेक करके दिखाता हूँ। पावर सप्लाई आप ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस तरह का कैपेसिटर होना चाहिए सेम हाइट का, अदरवाइज नहीं तो पैक करने में प्रॉब्लम आता है। फ्यूज ओके हमारा, हो सकता है लोड पे रिस्टार्ट हो जाता है, लेक्समार्क वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और नो डिस्प्ले या ब्लैक स्क्रीन हो जाना, नॉट इनिशियलाइज होना, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक फ्यूज तो ओके है हमारा, लेकिन दूसरा जो फ्यूज है ये यहाँ पे ओपन है, देखिए यहाँ पे 3.15 एम्पियर का है और ये ओपन है, ठीक है। ये शोल्डरिंग वाली फ्यूज है तो कोई बात नहीं है, हम इसको कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, देख लेंगे। और चीज़ें हम देख लेते हैं इसमें, डायोड वगैरह देख लेते हैं, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर को हम चेक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ 3.3 दिखा रहा है, बोथ साइड से सेम वैल्यू दिखाता है। तो हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे डायोड मोड में। डायोड मोड में चेक करने के लिए दोस्तों ये बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए, पता लगाना कि कहाँ पे अब पता फॉल्ट है। तो देखिए डायोड मोड में 3 सेम दिखा रहा है और इसमें भी दिखा रहा है, तो क्या होता है ना, जब सेम दिखाता है तो 100% कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है सर्किट में। तो देखिए अभी दोनों साइड से हम चेक करेंगे, तो दोनों साइड से एक साइड में किक इफेक्ट मिल गया, बट यहाँ पे सेम दिखा रहा है। तो होना वो क्या होता है, हमारा ये फिल्टर के वजह से दिखा रहा हो। तो अब सबसे पहले हम जो फॉल्टी कंपोनेंट है हम उसको निकालेंगे, उसके बाद से चेक करेंगे, ठीक है। तब तक और भी ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं, देखते हैं आपको कि क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे मॉसफेट ख़राब है क्या है, वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ चेक करके, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स आपको पहले फॉल्टी कंपोनेंट निकालने होते हैं, फिर बाकी जो इंस्पेक्शन होता है उसके बाद हम लोग करेंगे। तो आप लोग भी जो सप्लाई रिपेयर वगैरह करते हैं उसके लिए आपको पहले फॉल्टी कंपोनेंट हटाना है, ठीक है। तो अभी हमने इसको रिमूव कर लिया फिल्टर कैपेसिटर को, अब जो प्रॉब्लम है हम चेक करेंगे। जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पर जो प्रॉब्लम्स आ रहा था देखने को, सेम वैल्यू मिल रहा था, सेम दिख रहा है, ठीक है। तो अब ब्रिज रेक्टिफायर को भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। तो डी शोल्डरिंग करके कोई कंपोनेंट आप हटाएंगे तो इजीली जो ट्रैक है वो मेंटेन रहेगा एज इट इज़, और जो आपका ट्रैक है वो डैमेज नहीं होगा। आप देखेंगे तो आप खुद ट्राई करिएगा इस चीज़ को, फिर मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सजेशन कैसा लगा। तो अभी मैंने री शोल्डरिंग कर लिया, जिससे कि क्या होता है, हार्ड जो शोल्डर होता है मेल्ट हो जाता है और इससे आसानी होता है कंपोनेंट निकालने में, ठीक है। यार बिट लेना दूसरा। तो जब तक फॉल्टी कंपोनेंट हटाएंगे नहीं और सही से इसको ओपन करके हटाएंगे नहीं हीटिंग वगैरह, तो ये क्या होगा दोस्तों, चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले खोल, तो सो फ्रेंड्स ये खुलता नहीं है, तो इसके लिए आपको नोज प्लास से खोल के ट्राई करना होगा, कई बार स्लिप कर जाता है। तो ज़रूर इससे ट्राई करिए और बने रहिए वीडियो में, अंत तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हम क्या करेंगे, नोज प्लास से या प्लास के इस्तेमाल करके खोल लेंगे, जिससे आप आसानी से खुल जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई जो बेसिक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को इसलिए इसको हम टाइट करते हैं कि ये हीटसिंक में हमेशा ठंडा रहेगा, तो कंपोनेंट जल्दी फेलियर नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो और कोई वजह नहीं है इसमें कूल रखने के लिए, और स्टेबल भी रहता है कॉम्पोनेंट।
तो ये दोस्तों हमने खोल लिया है इसको, और अब आपको दिखाते हैं कंपोनेंट निकाल के, और इजीली ये निकल जाता है। उसके बाद से जो भी इंस्पेक्शन हम करेंगे आगे, मॉसफेट वगैरह चेक करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर हम दोबारा से लगा लेंगे। ये आपके लिए ईजीएस्ट रहेगा, और ये सप्लाई थोड़ी सी महंगी होती है। लेक्समार्क का पार्ट जल्दी मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो जो रनिंग मॉडल के हैं वो मिलेगा, नए मॉडल के नहीं मिलेंगे। नए मॉडल की भी आप कार्ड वगैरह, जितने का आप कार्ड ऑर्डर करोगे उतने का आपका सप्लाई पूरा प्रिंटर मिल जाएगा। तो आपको मैं एक कोटेशन लेक्समार्क की तरफ से कभी शेयर कर दूँगा, हमने प्रिंटर पूरा 8000 का ख़रीदा था और उसका पार्ट हमने कोटेशन लिया था तो 30000 रुपये पार्ट का कोटेशन था, प्रिंटर 8000 का था पूरा नया सेम मॉडल MS321DN। आप प्रिंटर आप देखे होगे मार्केट में, आप लोग को देखने को शायद मिलता होगा, फेस किए होगे। हमने एक वीडियो भी बनाया, उसमें ज़्यादातर से ब्लैक स्क्रीन नॉट इनिशियलाइज का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अगर एक दूसरे में कार्ड भी आप लगा दोगे तो नहीं चलेगा, वो फर्मवेयर का प्रॉब्लम होता है। जब तक आप फर्मवेयर उसमें लगाओगे नहीं तब तक आपका सेम कार्ड नहीं लगाओगे, अपडेट नहीं करोगे, जैसे आप HP के प्रिंटरों में आप देखते होगे उस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो रिमूव करने के लिए कंपोनेंट आसान है, आप नीचे से इसको किसी चीज़ से आप पकड़ सकते हैं और उसके बाद से इसको निकाल सकते हैं, ट्रैक भी नहीं टूटेगा और बिल्कुल देखिए बिल्कुल क्लियर निकल गया। और बिना डी शोल्डर वायर के भी आप यहाँ से इसका नोजल खोल सकते हैं, आयरन बंद कर देना। ये 4000 की मार्केट में सप्लाई है, 3500-4000 रुपये की, और पूरा प्रिंटर 8000 रुपये की है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग कहीं कट मत जाना, पूरा प्रिंटर मंगा लेना, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, अब चलिए इसको दोबारा से इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या यहाँ पे शॉर्टिंग देखने को हमें मिलता है मल्टीमीटर में। तो फिलहाल हम सेम मोड यहाँ पे सेट करेंगे और चेक करेंगे, तो फिर इससे हमें पता चल जाए मॉसफेट हमारा ख़राब है क्या है। देखिए सेम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बोथ साइड, थोड़ी सी इम्पिडेंस को में चेंजेस आए हैं, ये देखिए नई चेंजेस आए हैं, कोई भी चेंजेस। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉयल है जो लाइन फिल्टर, सॉरी गाइस, तो वीडियो फ़ोन आ गया था इस वजह से डिसकंटिन्यू हो गया था। तो अभी हमने जो चेक किया था आपको दिखाया था कि आप देखेंगे यहाँ पे जो इम्पीडेंस हमारा डिस्प्ले कर रहा था उस पर हम ट्रबल शूट कर रहे थे। तो देखिए ये इस पर ट्रबल शूट में बोथ साइड आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा 29 जो इनपुट में, तो इसका मतलब जो हमारा जो हमने जो कंपोनेंट अभी तक निकाला है ब्रिज रेक्टिफायर वो भी हमारा फॉल्टी नहीं है, ओनली हमारा कैपेसिटर फॉल्टी है और एक फ्यूज फॉल्टी है। क्यों फॉल्टी है आइए जानते हैं, उसको चीज़ को चेक करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो हम क्या करेंगे इसे बैक ट्रेस करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सबको पता है कॉयल्स लगे हैं और प्रॉब्लम हमारा इधर से आगे यहाँ पर जो सर्किट है ब्रेक का कर दिया मैंने, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होगा तभी आगे जाएगा, तो इधर फॉल्ट नहीं है, ठीक है। आपको समझ जाना है कि फॉल्ट आपका बैक ट्रेस में है, ये प्राइमरी सेक्शन में है जहाँ से हम इनपुट देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको चेक करेंगे इधर, ठीक है, और इसको चेक करते जाएंगे यहाँ पे कहीं पे, ये तो कॉयल से अपना यहाँ पर आपका कहीं पर शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो हम फिजिकली इंस्पेक्शन करेंगे कंपोनेंट का, तो आप देखेंगे। और एक यहाँ पर है तो यहाँ पे चेक करेंगे बैक साइड में, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं जो डिस्टॉर्शन फिल्टर के लिए लगे होते हैं जैसे स्पाइक करंट वगैरह के लिए, देखिए तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जो कैपेसिटर है वो फट गया और जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ से कट करके दिखाता हूँ। तो ये जो फिल्टर ये जो हम हटाएँगे तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जल गया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए, ओके। तो आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, इसको निकाल देना है, ये देखिए ख़राब हो गया, इसको निकाल देना है, फट जल गया,
ठीक है। इसको निकाल के फिर आपको सिंपल फ्यूज लगा देना है। आपको करना क्या है, अगर ऐसा है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ कि लगा दोगे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा डिस्टॉर्शन से, डिस्टर्बेंस से, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसमें कचड़ा है। देखिए यही चीज़ें ख़राब हो गई थी जिसके वजह से ये आपका प्रॉब्लम दिखा रहा था, ठीक है। लगाना है तो आप बेसिक लगा बर्तक लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए इसको। ये बस लाइन फिल्टर के लिए आता है, बाकी और भी फिल्टर लगे हैं वो काम करता रहेगा कंटिन्यूली। अब चलिए चेक करके देखते हैं कि ये हटाने से हमारा क्या फ़र्क पड़ा है, आइए देखते हैं लाइव टेस्ट करके। तो आपने देखा कि बोथ साइड आपके कंटिन्यूटी आ रही थी, देखिए जैसे आपने हटाया, देखिए यहाँ पे जो इम्पीडेंस दिखा रहा था वो हट गया, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हमारा इम्पीडेंस था, फॉल्ट था, वो बिल्कुल वही था। जल जाने के कारण आपने बहुत सारे सप्लाईयों में देखा होगा कि बीप भी देता है और सप्लाई नो पावर हो जाता है, ठीक है। तो ये सप्लाई हमारा 4000 रुपये की जो कॉस्टिंग थी वो बच गई है, ये रिपेयर हो गया है। अब हम इसको कस्टमर साइड पे वापस एक कंपोनेंट लगा के भेज देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये शॉर्ट वीडियो में सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बना के, आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्ट होके जुड़े रहिए। कोई डाउट हो तो कॉमेंट करिए, हम ज़रूर आपके लिए एक बेहतर वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। उम्मीद करता हूँ तो इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से देख के फिर लगाएंगे। इधर हमारा नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम इधर सेम चीज़ें करेंगे, ठीक है। ओके देखिए लग गया। तो एक बार आप ज़रूर कंफर्म कर लें क्योंकि यहाँ पे लाइट से पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। हमने कंफर्म कर लिया, आप भी कंफर्म करिए, फिर आप जो भी कनेक्टिविटी है आप करिए। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से वापस स्क्रू आपको लगाना है। नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं इस एवरेज रेक्टिफायर में, लेकिन आपको लगा लोगे तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सप्लाई आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये कंपोनेंट इफिशियंट होगा ज़्यादा, ठीक है। और इसमें हम फिल्टर कैपेसिटर ऐड करेंगे और भी सारी चीज़ें ऐड करेंगे और फटाफट इसको चालू करके आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखा देंगे कि इसकी वोल्टेज कितनी गुड कंडीशन में होनी चाहिए, ये आपको और पता चल जाएगा। कोई जनरली कोई बताता नहीं है और भी वीडियो में आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो हम वीडियो उसी बनाते हैं जो फॉल्ट मिल जाए लाइव हो। चलिए तो अब हम फिल्टर को लगा लेते हैं। देखिए ये रहा फिल्टर, इस पर हम क्या करेंगे, न्यू फिल्टर लगा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आप देखेंगे जो माइनस पॉइंट है ब्लैक साइड में रहेगा, ये नेगेटिव इसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। और एमएफसी होता है मेन फिल्टर कैपेसिटर, इसको बोलते हैं एमएफसी, ठीक है। बैक साइड से शोल्डरिंग नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, शोल्डरिंग हो जाएगी, बंद कर देना और यहाँ से रीशोल्ड कर लेंगे। आपने देखा कि कितना आसानी से हमने इसको रिपेयर कर दिया है। और बात करें फ्यूज की, कैसे आपको जुगाड़ करना है, तो देखिए बिल्कुल हमने जो काम किया बिल्कुल फाइन तरीके से आपको करके दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे शेयर करके कमेंट करके आप। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज देखते हैं, हम कोई फ्यूज हमें मिल जाता है शोल्डरिंग वाली तो हम इसमें फ्यूज लगा देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, आप सिंपल आप जंपर यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जंपर लगाइए, रवा कर दीजिए, ओके इस तरह से। जंपर आप लगा दीजिए और उसके बाद से आपका जो फ्यूज है ओके हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड मत लगाना और ज़रूर आप चेक कर लेना एक बार लगाने के बाद शॉर्टिंग और
क्योंकि फ्यूज कंप्लीट होने के बाद जो प्रॉब्लम आता है वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा समय अच्छे से फ्यूज लगाने के बाद ही चेक करना है आपको, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक मिनट यार फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जंपर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको डाइवर्ट मोड पे फिर से इनपुट पे चेक करना है, इंस्पेक्ट कर लेना है, ठीक है, तभी लगाना है, अदरवाइज लगाना नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर से और भी कोई कंपोनेंट ब्लास्ट हो जाएगा, तो फिर आपका जो सप्लाई है वो रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखिए, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल ओके है, क्लीन चिट है यहाँ से, तो कोई बात नहीं, हम इसको पावर को कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं, चेक करके वोल्टेज। तो देखिए, ये जो हमारा पावर है, अब इसको कनेक्ट करते हैं भैया, ठीक है, कनेक्ट कर लिया, ओके, बिना सीरीज के। और इसमें आपको देखिए, ये 35 वोल्ट की कैपेसिटर है, हम इसके रियर साइड पे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम सप्लाई को क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक साइड से चेक करेंगे, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सप्लाई को ऐसे रोटेट कर देंगे, ऐसे ऐसे पकड़ना कलम, आपको केयरफुली चेक करना है, नहीं तो कहीं से यहाँ पे टच होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, छोड़ दो, ओके। और आप देखेंगे 35 वोल्ट की जो कैपेसिटर मैंने बताया था उसी के बैक साइड पे आपको चेक करना है, ठीक है, अदरवाइज ये तो देखेंगे। यहाँ पे एक फिल्टर है, यहाँ पे डीसी रेंज पे हम 40 वोल्ट पे सेट करेंगे और यहाँ पे आपको 24 वोल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 15 वोल्ट दिखा रहा है, ये देखिए, क्योंकि ये अभी ऑन नहीं हुआ है, तो मे भी ऑन होने के बाद ही 24 वोल्ट देखने को मिले। तो अभी हम और भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमें कुछ मिलता है तो चलेंगे, नहीं तो ये सप्लाई ओके हो चुकी है, आप देख सकते हैं और टेस्टिंग में यहाँ से पता चल जा रहा है क्लियरली, और स्पार्क भी कर रहा है। तो यहाँ पे 35 वोल्ट और 1 वोल्ट और है हमारा इधर, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार और, 35 वोल्ट, तो 15 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, तो 15 वोल्ट इट मीन्स हमारा जो सप्लाई है अभी आउटपुट दे रहा है, ओके है। मे बी ये ऑन हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ड्राइवर ऑन और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। अरे, स्विचिंग होने के बाद आप देखेंगे 24 वोल्ट देखने को मिलेगा, ऑन ऑफ होने के बाद, देखिए स्विच ऑन ऑफ होने के बाद 24 वोल्ट, ठीक है, ऑन होने के बाद, तो यहाँ से ऑन ऑफ होता है, और हीटर की भी सप्लाई के लिए वोल्टेज यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।